ओके हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो डिजाइन की जाती है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो इंस्ट्रक्शन के अंदर किस किस तरीके से डेटा को ऑपरेंड और ऑपकोड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब सिंबल के फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, उसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे मेरे पास। तो इंस्ट्रक्शन कोड, मतलब जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको वो किस तरीके से कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर कन्वर्ट करने के बाद जो भी चीज हमारे पास आई है उसको रजिस्टर, मतलब टेम्पररी, वो कैलकुलेशन करने के लिए टेम्पररी किस तरीके से स्टोर करवाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, मतलब जो कोड उसको मिला है वो प्रोसेसर को किस तरीके से देगा, मतलब कन्वर्ट करके, अगर 0101 या असेंबली लैंग्वेज के अंदर उसने कन्वर्ट किया है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो वो जो कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन अपनी तरीके से बनाई है उसको वो एग्जीक्यूट किस तरीके से करेगा। तो ये तीन टॉपिक थे, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हमारे पास बाकी है जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मेरे पास है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कोड। तो देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन कोड एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर इज डिफाइंड बाय इट्स इंटरनल रजिस्टर, द टाइमिंग एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इट यूजेस, मतलब जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस टाइम पे किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उसको, सारे जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। उसके पहले यहाँ पे दिखाया है कि कंप्यूटर को क्या क्या जरूरत, मतलब डिफाइन, मतलब क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए उसको इंटरनल रजिस्टर, मतलब टेम्पररी डेटा उसके पास जो भी आया है उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे टेम्पररी रजिस्टर की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है कि जो भी उसने रजिस्टर मिला है, मतलब जो भी कैलकुलेशन या इंस्ट्रक्शन उसके पास आई है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए इतना ही टाइम है और ये यूनिट के थ्रू ही उसका काम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कि उसको इंस्ट्रक्शन भी मिलनी चाहिए, तभी वो उसको कैलकुलेट किया, उसको उसके ऊपर वर्क करना चालू करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है तो इंटरनल रजिस्टर, तो वो क्या करता है, तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर इज डिफाइंड बाई सिक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन इट परफॉर्म ऑन डेटा स्टोर इन इट्स रजिस्टर, मतलब जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो वन टाइप ऑफ कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाती है। बट उसके बाद जो माइक्रो ऑपरेशन रहता है वो धीरे धीरे रजिस्टर में से जो भी इंस्ट्रक्शन एक सेटअप के फॉर्मेट में स्टोर की है उसको लाइन बाई लाइन रीड करेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है माइक्रो रजिस्टर का काम होता है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, और पूरा वो जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे उस फॉर्म में नहीं रहता, वन टाइप ऑफ एक असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, जिसकी मदद से हार्डवेयर को इजीली समझने में आसानी रहे उस फॉर्म में वो स्टोर करके रखता है रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद है कि कंप्यूटर कैन बी इंस्ट्रक्टेड अबाउट द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इट मस्ट परफॉर्म, मतलब जो भी उसको टास्क चालू करना है तो कंप्यूटर के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि इस सीक्वेंस के फॉर्म में इस इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। फिर एक यूजर कंट्रोल दिस प्रोसेस बाय मींस ऑफ प्रोग्राम, मतलब यूजर, हम जो प्रोग्राम देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, वो किस फॉर्म में रहता है, वन टाइप ऑफ एक प्रोग्राम के फॉर्म में रहता है, मतलब मुझे भी कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी रहती है तो उसके लिए मुझे पहले प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, मतलब जो भी आप देते हो, जैसे कि डबल क्लिक करोगे तो किसी भी फोल्डर के ऊपर, तो वन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन की होगी कि उसको कहाँ से डेटा रीड करके लाना है। फिर कभी कभी आप कोडिंग करते हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर रहता है तो उसके अंदर जिस तरीके से आप उसकी फंक्शनलिटी और कोड यूज करते हो तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे प्रोग्राम जनरेट होता है। ठीक है, तो जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो तो उसके अंदर बहुत पूरा प्रोग्राम एक साथ लिखते हो, तो भी क्या क्या सिस्टम के पास से मुझे करवाना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप एक ही लाइन के अंदर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के मुताबिक आप लिख देते हो, एडिटर के मुताबिक लिख देते हो, तो जितना भी आप लिखते हो लास्ट में रन करोगे तो इसके अंदर कोई प्रोग्राम के कोई एरर रहेगी तो वो तुरंत ही वहां पे ही दिखाई देगा, या फिर आपका प्रोग्राम परफेक्टली चल रहा है, आपने सही तरीके से पूरा प्रोग्राम लिखा है तो वो अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोग्राम क्या होता है, तो वही चीज यहाँ पे दी गई है कि प्रोग्राम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई द ऑपरेशन ऑपरेंड एंड द सीक्वेंस बाय व्हाइल प्रोसेसिंग हैज अकर,
मतलब प्रोग्राम क्या रहता है, वन टाइप ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही रहता है, क्योंकि हम जब भी प्रोग्राम बनाए तो वो लाइन टू लाइन ही हम लिखते हैं, ठीक है। और जो भी लिखते हैं वो सारा एक पर्टिकुलर वे में रहता है कि इसी फॉर्म में मुझे लिखना है, तभी हमारा जो कंपाइलर रहता है उसको अच्छी तरीके से वो रीड करेगा। मतलब जो भी हम लिखते हैं वो सारा कुछ एक वन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है कि मुझे ये काम कंप्यूटर के पास से चाहिए, तो उस तरीके से हम कोड लिख देते हैं, तो वो कंप्यूटर अपनी तरीके से उस तरीके से परफॉर्म करेगा, ठीक है। फिर लिखा है कि जब हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या रहता है, तो ऑपरेशन मतलब मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कंपैरिजन करवाना है, ठीक है, तो कोई भी ऑपरेशन वहां पे दे सकते। फिर ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब वेरिएबल्स, वेरिएबल के अंदर मैंने हम थोड़ी वैल्यू स्टोर करवाई होगी, जो भी वैल्यू स्टोर करे उसके साथ कौन सा ऑपरेशन करना है तो वो भी मैंने वहां पे दिया होगा। एंड द सिक्वेंस बाय विच प्रोसेसिंग हैज टू ऑकर, वो जिस तरीके से मुझे आगे प्रोसेस करना है उसी तरीके से हम वहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये वन टाइप ऑफ प्रोग्राम हो जाता है। तो प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है, ये चीज आप समझ लो अच्छे से। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी हम लिखते हैं लाइन टू लाइन, तो एक लाइन हमने लिखी है वो हमारी वन टाइप ऑफ एक इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, अ बाइनरी कोड दैट स्पेसिफाई अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन फॉर कंप्यूटर। मतलब बाइनरी कोड, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि वन टाइप ऑफ एक बाइनरी कोड जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। फिर लिखा है कि द कंप्यूटर रीड ईच इंस्ट्रक्शन फॉर मेमोरी, मतलब जो भी हम डेटा लिखते हैं वो टेम्पररी एक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, एंड प्लेस इट इन कंट्रोल रजिस्टर, मतलब उसको एक कंट्रोल रजिस्टर के अंदर ऑपरेंड और ऑपरेशन के फॉर्म में डाल देता है रजिस्टर के अंदर। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि रजिस्टर ऑलवेज ऑपरेंड और ऑपरेट्स स्टोर होता है, स्टोर करता है, और असेंबली लैंग्वेज जो शॉर्ट कोड होता है वही स्टोर करके रखता है, तो वही चीज रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाती है जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है वो। द कंट्रोल देन इंटरप्रेट द बाइनरी कोड एंड इंटरप्रेट द बाइनरी कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीड टू एग्जीक्यूट इट बाय इश्यूइंग अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन साइकिल, जिसे बोला जाता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल। मतलब जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है वो मेमोरी के द्वारा रीड किया जाएगा और रजिस्टर कंट्रोल के थ्रू रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी डेटा रजिस्टर के अंदर पड़ा है उसको वो बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करने के बाद लाइन टू लाइन, प्रोसेस टू प्रोसेस उसको रन करना चालू करेगा, और जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल की ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि क्या एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, ठीक है। फिर है कि इंस्ट्रक्शन कोड क्या रहता है, तो जो भी इसके अंदर हमने बाइनरी कोड के अंदर डेटा कन्वर्ट किया, ठीक है, उसको समझने के लिए, उसको सिस्टम को, प्रोसेसर को समझाने के लिए इंस्ट्रक्शन कोड होता है। इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ बिट्स मतलब वो बाइट को भी 0101 के अंदर कन्वर्ट करके रखता है, जिसकी मदद से कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो ये हो जाता है वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। मतलब कंप्यूटर उसको एक इंस्ट्रक्शन देता है कि इस तरीके से इस ऑपरेशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर एक इंस्ट्रक्शन कोड इज यूजली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन कोड, मतलब जो ग्रुप ऑफ बीट है उसके अंदर दो पार्ट रहते हैं, ऑपकोड और एड्रेस, मतलब ऑपरेंड बोला जाता है। ऑपकोड मतलब उसके साथ क्या करना है, ऑपरेंड मतलब जिस डेटा के अंदर वैल्यू हमने स्टोर की है वो, दो चीजें अलग अलग, ठीक है। तो इतनी चीजें इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर आती है। मतलब जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सबसे पहले प्रोग्राम, उसके बाद इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन कोड, और उसके बाद दो पार्ट्स के अंदर वो कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है कि ऑपकोड क्या होता है और उसका एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो ऑपकोड मतलब जो भी हमारे पास वैल्यू पड़ी है, ठीक है, वो वन टाइप ऑफ एक बीट के फॉर्म में रहता है। ये सारा कुछ वन टाइप ऑफ बीट है, 0 to 16, ठीक है। तो एक बिट के अंदर आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या 0 या 1, ठीक है। तो इस तरीके से सारा कैलकुलेशन, मतलब एड्रेस के अंदर कहाँ किस लोकेशन पर डेटा हमारा पड़ा है, ऑपकोड मतलब उस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो दोनों चीजें डिफाइन करके रखता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑपकोड के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि ऑपकोड क्या होता है और एड्रेस क्या होता है। तो ऑपकोड मतलब कि वन टाइप ऑफ ऑपरेशन कोड, उसके साथ क्या प्रोसेस मुझे करना है वो मुझे यहाँ पे मेंशन करके रखना पड़ेगा। मुझे इसके अंदर इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, किसके साथ एडिशन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन, तो सारी चीजें यहाँ पे इसके अंदर, मतलब कौन सा ऑपरेशन इसके साथ करवाना है वो यहाँ पे मेंशन होगा। तो उसके बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हैं कि क्या चीज है। तो वन टाइप ऑफ ऑपकोड है वो ग्रुप ऑफ बिट्स जस्ट डिफाइन द ऑपरेशन, मतलब कौन सा ऑपरेशन करना है वो दिया है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया, एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लीमेंट,
नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑपकोड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेशन अवेलेबल इन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर अंदर आपको ऑपकोड के साथ किस तरीके का ऑपरेशन करना है तो उसके मुताबिक यहाँ पे उसको बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उस तरीके से देना पड़ेगा। और एन बिट ऑपकोड मतलब क्या हो जाता है कि ग्रेटर, मतलब टू से ज्यादा ही उसके बिट होने चाहिए तभी उसका ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस क्या होता है, तो एड्रेस के बारे में, एड्रेस मतलब वन टाइप ऑफ, आप उसको ऑपरेंड भी बोल सकते हो कि दिस, तो वो क्या होता है कि दिस स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ऑपरेंड, मतलब जो हमारा डेटा पड़ा है वो एग्जैक्टली कहाँ पे पड़ा है मेमोरी के अंदर या रजिस्टर के अंदर, ठीक है, वो स्पेसिफाई करके रखता है। फिर एक मेमोरी वर्ड आर स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस, मतलब उस वर्ड को पहचानने के लिए मुझे उसका एड्रेस पहले तो जानना पड़ेगा कि ASCII कोड के अंदर उसका एड्रेस क्या है एग्जैक्टली। फिर एक रजिस्टर आर स्पेसिफाइड बाय देयर के बिट बाइनरी कोड, मतलब वो किलो बाइट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, जो भी हमारे पास बाइनरी कोड में डेटा रहता है वो किलो बाइट के अंदर रहता है, मतलब जो भी एड्रेस रहेगा वो किलो बाइट के अंदर फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा पूरा कि हमारा जो प्रोग्राम वो किस तरीके से सिस्टम के पास पहुँचता है, वो किस तरीके से पहुँचता है, उस किस फॉर्मेट में रहता है। तो ये इंस्ट्रक्शन कोड था। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन कोड है कहाँ पर स्टोर हुआ है, तो स्टोर करने के लिए भी उसके पास अलग अलग तरीके के बहुत सारे रजिस्टर है, तो यहाँ पे दिया गया है। दूसरा टॉपिक हमारे पास है कंप्यूटर रजिस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि व्हाट इज नीड फॉर कंप्यूटर रजिस्टर, मतलब कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर की क्या जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द नीड ऑफ रजिस्टर इन कंप्यूटर फॉर इंस्ट्रक्शन सिक्वेंसिंग, नीड अ काउंटर टू कैलकुलेट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन रहती है, ठीक है, और रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा हमारा रहता है तो वो डेटा स्टोर करके रखता है, और वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी मुझे चलानी है वो भी यहाँ पे वो मेंशन करेगा, मतलब दूसरी जो भी उसके पास दूसरा जो भी इंस्ट्रक्शन चलने वाला है उसका एड्रेस वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें एक साथ रहेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन सा डेटा मुझे कैलकुलेट करवाना है, रन करवाना है, और दूसरी चीज कौन सी, दूसरी जो मेरे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको भी यहाँ पे मुझे मेंशन करके रखना पड़ेगा। तो ये रजिस्टर का काम हो गया कि क्या क्या चीजें उसके पास होती है, तो किस किस तरीके के रजिस्टर होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे देखो पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, मतलब प्रोग्राम के अंदर कितनी लाइन है, कितनी इंस्ट्रक्शन वो रीड करके रखता है, मतलब पहली इंस्ट्रक्शन मेरी खत्म हो गई है, उसका कोड खत्म हो गया है कैलकुलेट करना, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ना चालू करेगा, एग्जीक्यूशन करना चालू करेगा। तो उसका काम है यहाँ पे पीसी, पीसी मतलब रजिस्टर का एक टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे आप बाजू में आपको एक चार्ट दिया गया, तो ये रजिस्टर किस तरीके के रजिस्टर उसके टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए, तो यहाँ पे देखो उसके बिट के फॉर्मेट में सारा कुछ दिया गया कि किस रजिस्टर के अंदर कितना डेटा आप एक साथ स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि DR, ठीक है, मतलब डेटा रजिस्टर, मतलब डेटा को वो होल्ड करके रखता है। उसका यहाँ पे लिखा है कि उसका काम क्या है, तो होल्ड मेमोरी ऑपरेंड, मतलब जो भी वेरिएबल आता है उसके अंदर डेटा वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, वो 16 मतलब 2 बाइट का होता है। फिर है एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस मतलब जो डेटा है वो किस लोकेशन पे पड़ा है उसका वो एड्रेस होल्ड करके रखता है, होल्ड एड्रेस फॉर मेमोरी, मतलब जिस मेमोरी के अंदर हमारा डेटा पड़ा है उसका वो एड्रेस स्टोर करके रखेगा। फिर एक्यूमुलेटर, ठीक है, मतलब जो भी हमारा डेटा और एड्रेस है उसके मुताबिक उसे पता चलेगा कि इसके अंदर ये डेटा पड़ा है, तो उसके साथ कैलकुलेट करना कौन चालू करेगा, तो एक्यूमुलेटर नाम का एक रजिस्टर रहता है जो 2 बाइट का रहता है, मतलब 16 बिट का रहता है, वो प्रोसेस करना चालू करेगा। फिर एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी मुझे चलानी है वो कौन सा रजिस्टर होल्ड करके रखता है, IR मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये भी 2 बाइट का रहता है, मतलब 16 बिट हो गई। उसका काम यहाँ पे लिखा है होल्ड इंस्ट्रक्शन कोड, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी चलानी उसका है वो एड्रेस होल्ड करके रखता है। फिर एक ही प्रोग्राम काउंटर, तो उसका भी सेम काम है यहाँ पे, पर उसकी साइज यहाँ पे कम है। फिर टेम्पररी रजिस्टर, मतलब टेम्पररी डेटा को होल्ड करवाना है तो उसके लिए TR रजिस्टर का यूज होता है। फिर INPR मतलब इनपुट रजिस्टर, होल्ड इनपुट कैरेक्टर, मतलब जो भी आप डेटा दे रहे हो कैरेक्टर दे रहे हो तो कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए INPR नाम का एक रजिस्टर है। फिर आउटपुट के लिए, आउटपुट कैरेक्टर के लिए OUT R मतलब आउट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर का काम होता है। तो इतने तरीके के रजिस्टर जब हमें एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, एक इंस्ट्रक्शन मतलब एक लाइन लिखते हैं, तब इसके अंदर इतने रजिस्टर काम करते हैं बैकएंड में।
ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया गया कि नेसेसरी टू प्रोवाइड अ रजिस्टर इन द कंट्रोल यूनिट फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन कोड आफ्टर इट इज रीड फॉर मेमोरी। ठीक है, तो जिस तरीके का हमारा डेटा रन होता है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है कि उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्यूमुलेटर और TR। ठीक है, टेम्पररी डेटा, मतलब एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है कि जो भी हमारी डेटा हमारा या ऑपरेंड हमारा स्टोर हुआ है उसके साथ कौन सी प्रोसेस मुझे करनी है तो वो स्टोर करके रखता है। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे दो रजिस्टर दिए गए, एक तो एक्यूमुलेटर दिया गया है, दूसरा दिया है टेम्पररी रजिस्टर। ठीक है, तो दो अलग अलग तरीके के रजिस्टर का यहाँ पे यूज होता था। एक्यूमुलेटर भी हमारे पास 2 byte का है और टेम्पररी रजिस्टर भी हमारे पास 2 byte का है, तो इसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दिया है एड्रेस अरे, मतलब जिसके अंदर जो भी डेटा पड़ा है उसको एड्रेस लोकेट करने के लिए AR रजिस्टर, मतलब होल्डिंग मेमोरी एड्रेस, मतलब एड्रेस रजिस्टर का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है कि किस किस तरीके से मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है, प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, और जितने भी हमारे पास रजिस्टर यूज होते हैं तो उस सबकी यहाँ पे बिट्स के फॉर्मेट में सारा कुछ उसकी प्रेजेंटेशन दी गई है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है कि डेटा रजिस्टर होल्ड ऑपरेंड रीड फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, जो भी वो मेमोरी में से डेटा रीड करेगा उसको डेटा रजिस्टर के अंदर स्टोर करेगा। उसके बाद है कि द एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज जनरल पर्पस प्रोसेसिंग रजिस्टर, मतलब उसके साथ कौन सी ऑपरेशन मुझे करनी है। ठीक है, उस डेटा के साथ वो एक्यूमुलेटर के अंदर दिया गया है। फिर एक तो इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम मेमोरी इज प्लेस्ड इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मतलब कौन सी इंस्ट्रक्शन उसको नेक्स्ट पढ़नी है वो IR रजिस्टर के थ्रू पढ़ी जाती है इंस्ट्रक्शन। फिर टेम्पररी रजिस्टर इज यूज फॉर होल्डिंग टेम्पररी डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के टाइम पे किसी भी डेटा को स्टोर करवाना रहता है टेम्पररी, तो उसके लिए TR रजिस्टर का यूज होता है। फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हैज 12 bit सिंस दिस इज द विड्थ ऑफ द मेमोरी एड्रेस, मतलब मेमोरी के अंदर जो भी डेटा रहता है उसको स्टोर करने का, बाकी की जो 4 bit रहते हैं उसको एड्रेस के फॉर्म में वो स्टोर करवाता है। फिर वैसे ही यहाँ पे दिया प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर का भी काम यही है कि वो डेटा को स्टोर करता है और उसकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रहती है उसको वो होल्ड करके रखता है, यहाँ पे वही लिखा है। फिर एक 2 registers आर यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट, मतलब एक रजिस्टर इनपुट के लिए यूज होता है और दूसरा रजिस्टर आउटपुट के लिए यूज होता है, तो दोनों के रजिस्टर के बिट यहाँ पे 8 bit के होते हैं। ठीक है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई। तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर है 0 to 11, मतलब 12 bit का रहता है, एड्रेस रजिस्टर भी 12 bit का रहता है। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर, डेटा रजिस्टर और एक्यूमुलेटर, ये सारे 16 मतलब 2 bit के रहते हैं। फिर इनपुट और आउटपुट दोनों यहाँ पे 8 bit के रहता है, तो मेमोरी 4096 वर्ड 16 bit पर वर्ड, मतलब वो एक सेकंड के अंदर, मतलब एक माइक्रो सेकंड में वो 4096 वर्ड एक साथ पढ़ लेता है अगर उसके पास 16 bit है तो। ठीक है, तो माइक्रो सेकंड में इतनी स्पीड से हमारी जो सर्किट है वो चीप है वो वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद एक कि इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो 1 type of 2 bit के अंदर किस तरीके से स्टोर होती है, तो उसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, जो भी रजिस्टर के पास डेटा आता है वो किस फॉर्मेट में यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द बेसिक कंप्यूटर हैज 3 instruction code फॉर्मेट, मतलब 3 तरीके के इंस्ट्रक्शन कोड यहाँ पे दी गई है। पहले है तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो मेमोरी में से वो रेफरेंस के फॉर्म में डेटा उठाएगा। फिर दूसरा है रजिस्टर के अंदर वो डेटा स्टोर करेगा। दूसरा है, तीसरा है वो इनपुट आउटपुट, मतलब जो भी इनपुट मिलेगा उसके हिसाब से आउटपुट स्टोर करके आउटपुट में स्क्रीन के अंदर दे देगा। तो ये 3 तरीके के इंस्ट्रक्शन कभी भी परफॉर्म होते हैं किसी भी तरीके के प्रोग्राम के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है ऑपरेशन कोड, मतलब ऑप कोड पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन 3 bits, मतलब वो 3 bit का रहता है। एंड द मीनिंग ऑफ द रिमेनिंग 13 bit डिपेंड ऑन द ऑपरेशन कोड एनकाउंटर, मतलब वो ऑपरेशन किस तरीके, कौन सा ऑपरेशन हमारा चालू है। मेरे पास अगर 15-20 लाइन है तो मेरी कौन सी लाइन अभी इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में एग्जीक्यूट हो रही है वो तो रीड करने के लिए बाकी के 30 bit का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आपको पता चल गया है कि मेमोरी रेफरेंस क्या होता है। सेकंड है कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन यूजेस 12 bit,
ओके okay, यहाँ पे सेकेंड डे हमारे पास मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन यूज 12 बिट, मतलब वो 12 बिट का होता है और बाकी के जो 4 बिट रिमेनिंग बिट रहते हैं उसका काम होता है कि किस एड्रेस मतलब कहाँ से डेटा उठाना है उसके लिए, मतलब एड्रेस दिया जाता है कि कौन सी मेमोरी में से मुझे डेटा रीड करवाना है। फिर यहाँ पे लिखा है कि I is equal to 0 और डायरेक्ट एड्रेस एंड 1 फॉर इनडायरेक्ट एड्रेस, मतलब वो डायरेक्ट मेमोरी में से डेटा उठा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे 0 होगा, अगर यहाँ पे 1 होगा तो इनडायरेक्ट, मतलब कोई बीच में रजिस्टर के अंदर टेम्पररी डेटा स्टोर हुआ है और वहां से वो डेटा उठा रहा है तो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मेमोरी में से डेटा उठाएगा और रजिस्टर मतलब वो डायरेक्ट बीच में रजिस्टर के अंदर डेटा स्टोर करे उसके बाद वो प्रोसेस करना चालू करेगा। ठीक है, तो दो तरीके। फिर एक रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आर रिकॉग्नाइज बाय द ऑपरेशन कोड विथ 0 इन द लेफ्ट मोस्ट बिट 15 इंस्ट्रक्शन एंड राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट मोस्ट बिट आपका क्या है 0 है, मतलब वो क्या है कि डायरेक्ट मतलब वो डायरेक्टली क्या कर रहा है कि एड्रेस उठा रहा है। ठीक है, मतलब मेमोरी में से डायरेक्टली डेटा उठा रहा है। फिर यहाँ पे लिखा है 1 मतलब क्या हो जाता है कि इनडायरेक्ट, मतलब वो मेमोरी में से डायरेक्टली डेटा नहीं उठा रहा, किसी बीच में रेफरेंस के फॉर्म में उसने डेटा इनपुट के अंदर डेटा को स्टोर करवाया है, तो इस तरीके से होता है। तो उसके अंदर जो भी यहाँ पे लिखा है उसका भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि मुझे यहाँ पे जो ऑपकोड है मतलब ये 3 बिट का रहेगा। ठीक है, डेटा हमारा जो स्टोर होगा वो 3 बिट के अंदर स्टोर होगा, बाकी का जो 0 और 1 है उससे पता चलेगा कि वो मेमोरी इसमें से डेटा उठा रहा है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आई का मतलब 0 दिया गया, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया कि आई इज इक्वल टू 0, अगर 0 रहता है तो डायरेक्ट एड्रेस है। ठीक है, अगर 1 रहेगा तो वो इनडायरेक्ट एड्रेस है। यहाँ पे वैसे ही आपको दिखाया गया कि आई मतलब 0, आई इक्वल टू 0 है तो वो डायरेक्ट मेमोरी में से डेटा को लोड करवा रहा है, 1 है तो वो इनडायरेक्टली मेमोरी में से डेटा को लोड करवा रहा है। मतलब 15 बिट का ही मोस्टली यूज होता है। ठीक है, कौन सा डेटा है, किस तरीके से ऑपरेशन करना है, तो वो सारी चीजें मेंशन करने के लिए। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन थी कंप्यूटर की, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ठीक है, फिर एक ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के बारे में जो भी ऊपर दिया गया था उसका ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक एंड ऑपरेशन ऑन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, मतलब जो भी हम रजिस्टर रेफरेंस के साथ जो भी इंस्ट्रक्शन कैलकुलेट होती है या फिर काउंटिंग होती है वो सारी चीजें एक्यूमुलेटर के अंदर होती है। शो एन ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी इज नॉट नीडेड, मतलब मेमोरी में से मुझे डायरेक्टली कोई डेटा की जरूरत, मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो गया तो बीच में वो डेटा स्टोर करके रखता है, मतलब वो इनडायरेक्ट एड्रेस। देयरफॉर द अदर 12 बिट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी एक्जीक्यूट, मतलब कौन सा ऑपरेशन करना है वो 12 बिट की मदद से मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, फिर अगेन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन डज नॉट नीड अ रेफरेंस टू अ मेमोरी एंड इट एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑपरेशन कोड 111 विथ अ 1 इन द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब वो लेफ्ट मोस्ट बिट के अंदर जो 1 लिखा है उसकी मदद से पता चलेगा कि जो भी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन उसको रीड करवाई जाती थी वो डायरेक्टली मेमोरी के अंदर से रीड कर रहा है, मतलब 1 का मतलब वो डायरेक्ट मेमोरी में से डेटा रीड कर रहा है। ठीक है, फिर एक द रिमेनिंग 12 बिट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, मतलब वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है तो किस तरीके का ऑपरेशन उसके साथ करना है वो 12 बिट की मदद से मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आज के लेक्चर के अंदर थी कि 1 टाइप ऑफ ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है, उसके बाद कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर किस किस तरीके के होते हैं, कितने बिट के होते हैं, कितने होते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद कि कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन मिलती है वो किस तरीके से मेमोरी में से डेटा को रीड करेगा, डेटा मेमोरी में से डायरेक्ट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको पहचानने के लिए भी यहाँ पे आपको ऑपकोड के फॉर्मेट में ही सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है तो यहाँ पे 3 चीजें आपको दी गई है, तो ये आपको अच्छे से आपकी अटेंडेंस के लिए सबमिट करवाना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।